हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल के थर्ड ईयर का असाइनमेंट। दिस इज योर फिफ्थ सेमेस्टर असाइनमेंट गाइस। कोर्स टाइटल इज फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कोर्स कोड इज BCOE 143। दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन कैन सबमिट दिस असाइनमेंट। ओके, बिफोर वी स्टार्ट द असाइनमेंट लेट्स गो थ्रू फ्यू इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए। आपको A4 साइज पेपर यूज करना है। रिकमेंडेड रूल पेपर है इंस्टेड ऑफ ब्लैंक पेपर। आपको ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज करना है। आपको सिर्फ आंसर्स नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन भी लिखने हैं। तो क्वेश्चन के लिए आप ब्लैक पेन और आंसर्स के लिए ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। आंसर फिनिश होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स का गैप दीजिएगा। एक बार आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसे एक फाइल में अरेंज करना है। ओके, असाइनमेंट नीट एंड क्लीन बनाइएगा गाइस, आपको मार्किंग में थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको फाइल में एक कवर पेज आता है, वो लगाना है। वो भी मैं दिखा दूंगी उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या डिटेल्स होती हैं जो आपको उसमें फिल इन करनी होती है। उसके बाद आपको अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाना है। क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर के बाद लगाएंगे आप अपनी हैंड रिटन आंसर शीट। आंसर शीट पर पेज नंबर्स मार्क करना मत भूलिएगा गाइस, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। एक बार आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो भी अलॉटेड स्टडी सेंटर है उसके कोऑर्डिनेटर के पास जाकर विद इन द टाइम फ्रेम आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट कराना है। ओके, तो सबसे पहले जो कवर पेज लगाना है वो देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल इन करनी होती हैं। दिस इज योर कवर पेज गाइस। इसमें सबसे पहले आएगा आपका एनरोलमेंट नंबर, फिर आएगा आपका नेम एंड एड्रेस, देन यू विल मेंशन द प्रोग्राम नेम फॉर विच यू हैव एनरोल्ड। उसके बाद जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं उसका कोर्स टाइटल एंड कोर्स कोड मेंशन करेंगे। फिर आएगा आपका असाइनमेंट कोड जो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशनड है। फिर आएगा आपका स्टडी सेंटर कोड, जो भी आपका अलॉटेड स्टडी सेंटर उसका कोड यहाँ पर लिखना है। Then you will mention your contact number and email ID. Bottom में आप डेट सबमिट करेंगे, जिस डेट को आप सबमिट कराने जा रहे हैं असाइनमेंट वो डेट लिखनी है और आगे साइन करना है। ओके, इसके बाद लगाएंगे आप क्वेश्चन पेपर। सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, इस क्वेश्चन पेपर को सबमिट कराने की जो आपकी इस असाइनमेंट की डेट है वो है 15 अक्टूबर 2024। ऑलराइट, और आपका असाइनमेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है गाइस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ऊपर जरूर मेंशन कीजिएगा जब आप अपना आंसर शीट लिखेंगे, ऊपर सेक्शन ए मेंशन करना है। देन डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद सेक्शन बी को न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा, ऊपर मेंशन कीजिएगा सेक्शन बी। सिमिलरली आपको सेक्शन सी करना है। ओके, तो चलिए अपना असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर असाइनमेंट गाइस, BCOE 143, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर असाइनमेंट।
और इसके साथ ही आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है गाइस। गाइस इफ यू रियली लाइक द कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड काइंडली शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल गाइस। प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स हु रियली नीड दिस असाइनमेंट्स and not only assignment, chapter explanations, question papers, as I'm starting with online sessions as well, that will also help to everyone, okay? So help me out to spread out to, spread this channel out to all those students who really need it. So kindly subscribe the channel and click on the bell icon so that you should not miss on any notification, okay? So chaliye milte hain next video mein. Take care guys. Bye-bye.